गजरौला में शादी कर चुके प्रेमी युवक युवती ने बताया अपनी जान को खतरा लगाई सुरक्षा की गुहार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में आज सोशल मीडिया पर एक युवक युवती ने कुछ वीडियो वायरल करके देश के गृह मंत्री से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल करने वाले युवक युवती दोनों अलग अलग धर्म के हैं, जिसके कारण लड़की पक्ष के लोग उसे जबरदस्ती उठाने का प्रयास कर चुके हैं, जिसकी वीडियो भी वायरल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़कर अपील करते हैं। ये पति पत्नी चंद्रशेखर और इरम हैं। इन्होंने अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। दरअसल ये दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, जो इनकी जान का दुश्मन बन गया है। हालांकि दोनों बालिग हैं और बाकायदा गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी युवती पक्ष के लोग विवाहिता इरम को जबरदस्ती अपने साथ उठा कर ले जाना चाहते हैं, जिसके कुछ वीडियो भी इस जोड़े ने वायरल किए हैं। इन वीडियो को देखने से साफ दिखाई दे रहा है कि इरम और उसके पति चंद्रशेखर के साथ कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। चंद्रशेखर और इरम ने जो बात वीडियो में कही है, उसमें एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का नाम भी सीधे तौर पर लिया गया है। इन्होंने अमरोहा पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी पुलिस उनकी सहायता नहीं कर रही है, जिसके कारण दोनों को अपनी जान का खतरा सता रहा है। अमरोहा पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए इस पति पत्नी ने देश के गृह मंत्री से सहायता मांगी है। वीडियो में गुहार लगाने वाला और मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह रचाने वाला युवक चंद्रशेखर गजरौला कस्बे के मोहल्ला जलाल नगर का रहने वाला है और उसे और उसकी पत्नी को जान का खतरा है। इस बात का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मेरा नाम नीरम है, मेरा किसी ने किडनैप नहीं किया है, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं 19 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ और ये मेरा हाई स्कूल की मार्कशीट है। ये आधार कार्ड है और ये पैन कार्ड है। और मैंने शादी कर ली है और ये मेरी शादी का रजिस्ट्रेशन है। मैंने शादी कर ली है इसलिए मेरे घर वाले मेरे पीछे लगे हुए हैं, चाचा ताऊ मामा और भाई सब मेरे और मेरे हस्बैंड के जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए हम दोनों भुके हुए। आज 11 अगस्त है, हमने 8 जुलाई को शादी की थी। हमारी शादी को आज 33 दिन हो चुके हैं। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, पक्के सबूत हैं हमारे पास। मेरे नाम पे जो FIR दर्ज थी हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है 6 तारीख को। पुलिस प्रशासन को भी ऑर्डर दिया है कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी सुरक्षा करें, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। बल्कि कल इनके घर वाले आए थे और उन्होंने ज़बरदस्ती हथियारों के साथ आए थे, गाड़ियों में 4-5 गाड़ियों में आए थे, उनके साथ हथियार थे, तलवारें थी, तमंचे थे, देसी तमंचे, काफ़ी सारे हथियार थे, काफ़ी सारे लोग थे, ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे थे। एक मना कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे थे। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रहना चाहती हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रहने दे रहे हैं। बल्कि साथ में उनके साथ में कमाल अख्तर और उनके साले नदीम, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कमाल अख्तर मंत्री कमाल अख्तर ने नगरी थाने पर तबीज डाली हुई है कि हमें ढूंढे और इनके परिवार वालों को सौंप दें। इनसे पूछ लीजिए इनको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इन्होंने क्या किया है। पूछे कल क्या हुआ था बताइए। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मुझे उठा के लेके जा रहे थे और मारपीट भी की मेरे साथ में बहुत बुरी तरीके से, और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं वहाँ से। हमारी जान का कुछ नहीं पता कि वो लोग हमें कब कहाँ ढूंढ के मार देंगे, हथियारों के साथ घूम रहे हैं। और ये भी बोले हैं कि मार ही देंगे और छोड़ने के तो हैं ही ना। बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ में, कमाल अख्तर नदीम और इनके हैं ताहिर वकील, वो तो वकील हैं, उनको तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं। उसके बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, लीगल तरीके से शादी की है, कोर्ट में शादी की है, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास, सब कुछ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर तक आ चुका है, अभी तक पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है। हम मीडिया से, पुलिस प्रशासन से और गृह मंत्री जी से चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा प्रदान करें, हम दोनों को सुरक्षा दें, नहीं तो वो लोग कहीं ना कहीं हमें ढूंढ के जान से मार ही देंगे। आप बताइए। मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, मुझे नहीं जाना किसी और के साथ, प्लीज़ हमारी मदद करें।